दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 का आज का वीकेंड का वाला एपिसोड वाकई काफी धमाकेदार चल रहा है। लेकिन दोस्तों आज करण कुंद्रा पहली बार तेजस्वी के कारण घर के अंदर बुरी तरीके से रो पड़े। हालांकि बाद में तेजस्वी प्रकाश अपनी गलती के लिए करण से माफी मांगते हुए दिखाई दी और करण को शांत करवाने की कोशिश भी करते हुए नजर आई। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि राजीव अदातिया के मुद्दे पर सलमान सर ने प्रतीक सहजपाल की बुरी तरीके से फटकार लगाई थी, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रकाश ने सलमान का साथ देते हुए साथ ही साथ राजीव का साथ देते हुए सलमान के सामने अपने मुद्दे को क्लियर किया। क्योंकि राजीव अदातिया और प्रतीक का जो भी मुद्दा हुआ था उस मुद्दे पर राजीव ने सारी की सारी बात तेजस्वी से क्लियर की थी और तेजस्वी को बताया था कि प्रतीक की ये बातें उन्हें कितनी ज्यादा हर्ट कर गई थी। लेकिन दोस्तों बाद में करण कुंद्रा ने गलती ये कर दी कि एक बार फिर से वो समिता शेट्टी के पास जाकर इस बारे में बात करते हुए नजर आए थे और समिता को कहा था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि करण जब भी समिता से बात करता है तो तेजस्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। समिता के पास जब करण कुंद्रा बात को करने के लिए गए थे तो ये चीज तेजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके कारण तेजू को गुस्सा आ गया और तेजू ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने करण कुंद्रा की फटकार लगा डाली, जिसके कारण दोस्तों करण को इतना ज्यादा दुख हुआ कि करण बुरी तरीके से रो पड़े। अब दोस्तों करण को रोते हुए देखकर तेजस्वी काफी घबरा गई थी और तेजस्वी ने करण से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। हालांकि बाद में करण तेजस्वी की बात को सुनकर मान गए थे, जो कि सीन देखने में वाकई काफी दिलचस्प लगा। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। यदि आप भी करण और तेजू के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।